ओके सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सैमसंग के गैलेक्सी A50 मतलब A50 नहीं, आप सभी सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर सैमसंग A70, A30, M30 जिसके अंदर भी इन डिस्प्ले फिंगर स्कैनर है और जिसके अंदर नहीं है, आप सिर्फ और शोबाजी के लिए आप इस चीज़ को लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पिछले पार्ट में दिखाया था कि आप किस तरीके से फिंगरप्रिंट का जो एनिमेशन है उसको चेंज कर सकते हैं, एंड उस वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आई थी कि भाई फिंगरप्रिंट का जो एनिमेशन चेंज करने की ट्रिक है, मतलब वो जो एनिमेशन है वही वहाँ पर ही कलर्ड है, बाकी सब ब्लैक था। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आई थी कि वॉलपेपर के साथ में लेकर आइए। तो आज की इस वीडियो में भाई यार थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब मत करो, खैर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आई थी कि उसमें वॉलपेपर भी होना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। राइट, सो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक फ़ाइल है जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से उस फाइल को डाउनलोड कर लेना। वो बेसिकली एक जिप फाइल है, एंड नाइट मोड हटा देते हैं सो बेटर व्यू आएगा। राइट, सो यहाँ पर ये वो फाइल है, आप देख सकते हैं ये लगभग 10 MB की फ़ाइल है या लगभग 11 MB के आसपास की है। एंड यहाँ पर इस फाइल को आपको अनजिप करना है, जिप फाइल है, एंड अनजिप करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से, ये मैंने एक्चुअली मैं खुद ही बिल्ड करे हैं, तो जितने मेरे से बिल्ड हो सके, जितने मुझे एनिमेशंस मिले उतने मैंने एनिमेशंस के अंदर डाले हैं, कुछ फिंगरप्रिंट्स एनिमेशन को चूज़ करके वॉलपेपर एनिमेशन डाले हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से, सो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं हमें एनिमेशन प्ले। ऑलराइट, ये एक्चुअली में इस तरीके से लगेगा, तो मतलब नॉच में से हमारी मोमबत्ती आ रही है, जल रही है, एंड हमें फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप का है। एंड यहाँ पर ये सन है, बेसिकली सूरज है ये, और ये भी डिज़ाइन है। तो मैंने यहाँ पर कुछ डिज़ाइन को डाला है अपने कुछ वॉलपेपर्स को डाउनलोड करके, वीडियो वॉलपेपर को डाउनलोड करके। एंड अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था उसी तरीके से आपको अप्लाई करना है, आपको जाना होगा गैलरी के अंदर। सो ये वो फाइल्स हैं, ओके हमें क्या करना है, हमें इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर लेते हैं, मैं सन वाला कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर हमें 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर हमें ऑप्शन आ जाएगा सेट एज वॉलपेपर, एंड वॉलपेपर पर क्लिक करने के बाद में हमें कुछ इस तरीके का यूआई देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर हमें सिंपल से बस सेट कर देना है इसको, एंड ये रहा हमारा वॉलपेपर, साथ में सन है और सन में भी एनिमेशन है अगर आप ध्यान से देखेंगे। लेट मी जूम इन, ऑलराइट ये रहा, इसमें भी एनिमेशन है। एंड इसको अनलॉक करते हैं, कोई और लगाते हैं, ये वाला लगाते हैं, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा इतना, ये वाला लगा लेते हैं, ये बढ़िया लग रहा है। सेट एज वॉलपेपर, एंड ये रहा, यहाँ पर भी एनिमेशन है एंड नीचे भी एनिमेशन है, वो क्या कहते हैं इसको, फिंगरप्रिंट का। तो ये दोनों ही जगह में एनिमेशन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के और वॉलपेपर लेकर के आऊँ जहाँ पर कि आपको जो है दोनों ही तरफ एनिमेशन देखने को मिले, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी, अगर आप कहोगे तो मैं कलर्ड वॉलपेपर भी ले आऊँगा, बट वो इतना अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि डार्क में जो है हमारा फिंगरप्रिंट और ये दोनों ही दिख रहे हैं, एग्जैक्टली हाईलाइट हो रहा है एक तरीके से, उसमें नहीं होने का इतना। बट अगर आप कहोगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, बाकी इस टाइप का अगर आपको और वीडियो देखनी है इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए तो मुझे बताना नीचे कमेंट करके। एंड यार अनलॉक, ओके, एंड यही था आज के इस वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो जो लगती है लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।